यही आ रहा है। हाँ यही जा। अच्छा, और दिन में? दिन में निकल को। कितने दिन से देख रहे हैं? तीन चार दिन से। केवल यही दिखता है? हाँ, और अंदर भी आता है। देख लिया तुमसे? सुन लीजिए, हेलो, तुम घर में सुन लीजिए। यहाँ से भी आता है, वो कोना है ना, उधर से भी आता है। ये बस पकड़ कर यहाँ इतना यहाँ आ गया था भूत को पकड़ने के लिए। बस रात में हम लोग को तंग करा, दिन में दिखाई नहीं दे रहा, और उधर से भी सुराग है उसका, लग रहा है उसी में वो लड़ रहा है। यही पठानी छोटा है बड़ा है? बहुत बढ़िया है, दिखाई है यहाँ पर सुराग। टर से कहा देखिए उधर सुराग, वही में बा इधर मारे थे ना। हाँ, तो इधर ये किरा भागा था, यही पर। क्यों मारे थे? मैंने आधी माँ में मारे खाती तो उसको लगा था। पंडित का जुमदार का आये लोग आकारी आये वही में घुस रहे हुए। तो फिर ऐसा करिए ना कि रम्मा लाइए और उसको किनारे किनारे तोड़िए, ठीक। सीढ़ी लाइए, रम्मा लाइए, किनारे किनारे तोड़िए ना, वो दिख जाएगा कहाँ है, अंदर गया है या फिर उसी में लेटा है। क्योंकि एक जो करकट है ना, नारियल में जगह रहता है। मारना नहीं चाहिए, मारिएगा नहीं। फिर हम सुत अभी अंदर सुत के कौन सा गेहूं था क्या? गेहूं है, सुचा गेहूं है, ठीक है। फोन मार रहा है, मारना नहीं चाहिए जीवों को, ठीक है। अरे काम करबो यहाँ से, मतलब फफर बात में इतना काम काम करबो। अरे वो अंदरवा से थोड़ा ना, अंदरवा से समझ में आ जाए, अंदरवा से मुखा जी बातें में ना, मसा दिक्कत। आज कहाँ बा कहाँ करबो? ए हमें आवा तू थोड़ा ना, वो अपन कर दादा देखिए वो उच्च दाम वर्जित रही, कौ घर वर्जित ना रहे। क्या करेंगे आप लोग? क्या कहो तेरा भैया, तुम्हें बता। थोड़ा थोड़ा सा तो घाटा सहना पड़ेगा आप लोगों को। केवल ये वाला आपको हटाना पड़ेगा, बनो केवल ये, मतलब एक किनारे से जो आपका बाहर निकला हुआ पोर्शन, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? पूरा बरकट निकल गया, बोलिए। हाँ, वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा करिए ना कि आप ऊपर चढ़ जाइए, ठीक, और ईट इस का जो है उस साइड कहीं या इस साइड दीवार पे रखिए। आप पुश कर जी। हाँ जी, ऊपर चढ़ जी, ऊपर है दीवार जी, इतना है तो उस साइड इस साइड देख लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे हमको हमारे टेंशन मत करिए, नहीं करकट गिरे ना, कि दबेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अरे हम जितना कह रहे हैं उतना करिए ना आप लोग, बस ये ईट हटा दीजिए, बाकी मैं सांप निकाल लूंगा। ये जो ईट है ना, ईट हटाइए, हाई वाला ईट हटवा दे ऊपर से, इसमें क्योंकि यहाँ से गैप है, ये यहाँ जो है ना सीमेंट है, यहाँ जगह है, और मुझे लग रहा है 100% की जब सांप यहाँ दिख रहा है तो अंधेरे में गया है, अंदर ही गया है। सुनिए हमारे बाप, वो जो दीवार है ना, वो दीवार उसमें भी इतना गैप है, इतना गैप है, यहाँ है कि वहाँ है, चल के देख लीजिए। ईट उठा दीजिए ना, हम लेके घर नहीं जाएंगे। ईटवा जो हटी तब ना, ईटवा हम नीचे गिरा दे रहे हैं। हाँ तो गिराइए, नीचे चाहे बगल में कहीं जाइए, चल के गिराइए। अरे हिंगे चढ़ता हालू कदमी के, लेकिन वो कहा कि हमारा जीवन रहा, हम दुकान बना लेंगे। तू मत चढ़ा, क्या करी तोर बाप चढ़िया, उसको नहीं भैया, ये वाला ना, ये बस लाइन साफ हटा दीजिए, हम हटा दीजिए, हम कोशिश करते हैं। रुकिए रुकिए, इसको हाँ नीचे गिरा दीजिए,
जगह अभी तो थोड़ा सीढ़ी पकड़ लो भाई। चलिए हट जाइए, हट जा, तू हट जा, तार काम हो गया। मामा से पहले हम काम करते हैं, ये पूरा करकट वो है ना, कर क्या को बकौल है वो गैपिंग बड़ी जबरदस्त है। अंदर कोई है बाबू? एक लोग अंदर चले जाइए, जैसे दिखेगा बोलिएगा। दरवाजे पे खड़े हो जाना, दरवाजे पे खड़ा रहिए भैया। आप उसको टास दे दीजिए बच्ची को। हां टास दे दीजिए। इसके नीचे तू चाह रहे हो तो इसमें सफेद लोग नहीं दीजिए। पकड़े वाला बटन है पैसे उतरेंगे हम तभी मुना खड़ा से बड़की सीने लिबा क्या हो बड़की सीने खा लो। अरे भाई जरा वहां तमाशा आई देखो मुना खड़ा बोले मुना खड़ा से रहा ले यही में ना। हां यही में रहा हम कोते रे लेके के उजारे के फोरी ना ना पांडे जी देख ये ना सोखा जी को तो मांगना हुए रे अब खुश है ना ये तो खेत है गोपाल जी अपने आप खुश है ना। अरे अच्छा और कोई है कि ये खेत है तेरा वहां देखला महाराज तब ना बोला। अरे आ लागल बना करिया ना लागल बा है जागल बा के लागल बा लागल बा हो जाग हो थोड़ा सा खरगोश नहीं यहां पर हां लगा है वका मारना नहीं चाहिए भैया। अरे तिवारीपुर का मन फोन में खुदे बोले क्या खुदे फोन के काम नहीं अरे मर्दा मर्दा चलिए बड़े मन चलिए बड़े मन
अरे कोई बात नहीं, नहीं जाएगा। अरे खाती अरे काली कल कौन सा साफ हो गए साफ कर। अरे एकदम चमकत रहो है एकदम गुमन है ये है सो। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश से मैं योद्धा पीएस आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ठीक है आपका दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा है। ये ग्राम नरनी है जो बलिया जिला में पड़ता है, रसना से कुछ दूर है, 15 किलोमीटर के आसपास नरनी गांव है। यहां पे अभी रेस्क्यू कॉल आई थी, करकट में था, और इस सांप को कल या परसों रात को मारा भी गया है। आप देख सकते हैं ये इंजरी भी है इसको, यहां पे आप देख सकते हैं ये इंजरी है इसको, और मारना नहीं चाहिए। आप लोगों को बता दें कि मारना एक तो जीव हत्या है, तो इसलिए मारना नहीं चाहिए। ये भी जीव है, कोई इसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है मारने के बाद। अब आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत ही जहरीला सांप है, कभी भी ये स्नेक बाइट करता है तो आप लोग किसी भी झाड़ फूक ओझागुनी के चक्कर में न जाइएगा। तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल जाइएगा, जहाँ पे इसी सांप का बना हुआ जहर से इंजेक्शन लगता है, एंटीवेनम जिसको बोलते हैं, तभी आपकी जान बचेगी। कहीं झाड़ फूक में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। तो आप लोग से निवेदन है कभी भी झाड़ फूक में न जाइएगा, और मारिए भी नहीं। ये भी जीव है, अपने आहार के लिए, भोजन के लिए, चूहे के लिए आ जाता है। तू बोलने से कोई फायदा है नहीं, जब तक इसको काटेगा नहीं, छेड़छाड़ नहीं होगा, ये काटेगा नहीं किसी। अरे भाई, इतने दिन से घर में था, किसी को काटा नहीं ना, ढेर दिन से रहा होगा भाई, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि काल है। अरे जब ये इसको आप नहीं मारेंगे तो ये दबेगा, तभी काटेगा, तभी छुएगा। इसी को आप लोग जो नाक बोलते हैं, गेवन बोलते हैं, फेटार बोलते हैं, जो भी इंग्लिश में नाम स्पेक्टिकल कोबरा, और साइंटिफिक नेम जिस नाम से साइंस जानता है, पूरा विश्व जानता है, ना जाना जाए। तो कम से कम इस गांव में अब आ गए तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, कभी भी काटता है तो सीधे हॉस्पिटल, और मारना नहीं चाहिए। एकदम हो गए कि ऑप्शन नहीं, मारा जाएगा, सतो माई आपको तुरंत फोन किया जाएगा। सत्ती माई की भी लोग जाते लोग टनकी से लागल वही पटा जाता जा हुआ कर छोड़ो। अरे अब तो नींद लगबे कर, अब तो नींद लगी ना थी, तीन दिन तीन रात से था। अब इतना झट कर रहा ना, मर जाएगी मेरी गाड़ी में है बाबूजी, जी एक छेदने वाला खुद है, जानत नहीं, डिग्गी में है, जानत नहीं, हां पीछे डिग्गी है ना उसी में, उस ढकड़ों में छेद बात है। अच्छा तो हम जता चैनलों में रहत नहीं ना, तो यही समझ में आओ तो लकी सब माने फर्जी है। आप खुद देखिए, आप खुद देखा, विश्वास करना चाहिए, अब तो विश्वास हो गया ना, अब तो विश्वास हो गया, बात सही है। अभी इन्होंने फोन किया तो आपसे ही बात हो रही थी, तो ये बोले कि आपका फीस कितना है, कितना लेते हैं। हम कहे कि हमारा कोई फीस नहीं है, तो फोन काट दिए। हमें लगा कि इनको फीस वाला चाहिए, इसका कोई फीस नहीं है, इसका फीस हम लोग क्या रखेंगे, अपनी जान की कीमत। एक बात बताइए, अब आप खुश हैं? बस आप लोग का प्रेम आशीर्वाद रहेगा तो सब लोग सही रहेंगे। अरे भैया, तनी पता एड्रेस मुनवल ले लो सब।
सो फ्रेंड्स, इसमें रहने के लिए आसान, अच्छे से रहेगा ये, आसानी से सांस लेने के लिए पूरी जगह बन चुकी है, और इसको चोट लगी है, देखते हैं इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको, इसको जल्द से जल्द इसको उचित पर्यावरण में छोड़ देंगे जहाँ पे आसानी से रह सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी जीव को बचाते हुए, किसी घर परिवार का प्रेम आशीर्वाद लेते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।